Okay, am I visible, everyone? Please let me know in the comment section if I'm visible and audible. Just let me know. Okay, yep. I guess everyone can see me, right? Okay. हाय हेलो एवरीवन, हाय वेरी वार्म गुड इवनिंग. ठंडा ठंडा कूल कूल वाला इवनिंग है क्योंकि इधर बारिश लगातार हो रही है. मुझे बाकी बच्चों का तो नहीं पता बट अपने साइड काफ़ी बारिश वाला माहौल बन चुका है. बिल्कुल रेनी सीजन झमझमा के आ चुकी है. अरे बाप रे बाप, यहाँ पर कैसे कैसे नाम से बच्चे आते हैं. दिल जला आशिक, हाय भाई क्यों जला आपका दिल. अलोन बॉय आवारा, ओके. हेलो एवरीवन, हाय गुड इवनिंग, हाय जिद्दी बॉय, हाय नेहल, हाय लक्षिता, हेलो प्रांशु, हाय तान्या, हाय रौनक, हाय युवराज, हेलो अनुराधा, हाय अरविंद, हाय हरमीत सेज हेलो, हाय सरिता, हेलो एवरीवन. ओके, बिल्कुल फुल मेंटी सेशन है आज क्योंकि हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया. नमस्कार मैम, हम आपके प्रदेश के नए नेता. अरे बाप रे, नमस्कार जी अक्षत, नेताजी का स्वागत करो सारे बच्चे. देन वी हैव तान्या, ऋषिका, हेलो हाय गुड इवनिंग ऋषिका, आई वेलकम यू टू द सेशन बच्चा. ओके, हाय वन्या, हेलो एवरीवन, हाय देशराज, राम राम, गुड इवनिंग, हाय बबीता, हेलो एवरीवन, यस सरिता, हेलो ओम, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. ओके, गुड आफ्टरनून आर योर वी लिटिल चिल्ड्रन, वेलकम यू आर. ए बाप रे, थैंक यू रौनक, थैंक यू सो मच. और मचाने वाला बच्चा किधर है. ओके, योर नेम इज सुरभि, हाय सुरभि, हाय ओम. अब हाय की स्पैमिंग ना करो. हाय पलक, जिनको मैं पालक बोलती रहती हूँ वो कहेंगे मैम ये ना करो मेरे साथ. ओके, हाय एवरीवन, सो हाय, दिस इज योर सोशल साइंस एंड केमिस्ट्री एडुकेटर अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल दैट इज जस्ट 9th एंड 10th, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th. अच्छा बच्चा लोग एक बात बताओ, कल फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू टीच यू ऑन द चैनल जस्ट 9th एज वेल. सो आई हैव स्केड्यूल्ड माई सेशन फॉर 2 o'clock. आई गेस आप लोग सब वहाँ पर प्रस्तुत हो जाना. लेकिन बात ये है कि आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू टेक 3 sessions, 1 chapter वाला एक सीरीज, मतलब कि एक चैप्टर 3 session के अंदर ख़त्म करेंगे एंड देन वी आर गोना हैव मेगा मेंटी. ठीक है, वो एक दिन का ना फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि लंबे लंबे चैप्टर से. अगर हिस्ट्री की बात करें, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री, तो जितने भी 9th के बच्चे हैं आई जस्ट सेंड यू द लिंक. तो सबसे पहले तो यार अपना जो चैनल है दैट इज फीनिक्स सोशल फॉस्टर, उससे जुड़ जाना सो दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जस्ट कम ऑन दैट सेशन. और वहाँ पर फटाफट फुल रिविजन भी अपना करते रहेंगे जितने भी आपके चैप्टर्स हो गए. तो इनिशियल चैप्टर्स के ऊपर पहले फोकस करते हैं. ओके गाइज, सो दिस इज माई छोटू सा इंट्रोडक्शन. आई एम अनुप्रिया, योर सोशल साइंस एंड केमिस्ट्री एडुकेटर. आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन मॉडर्न हिस्ट्री, मेंटर्ड ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट्स, हैव मोर देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड हैव co-authored 2 books ऑन द सब्जेक्ट हिस्ट्री फॉर क्लासेज 9th एंड 10th. क्या कर रहे हो मैम. भैया देशराज देख तो रहे हो, देश को अभी चला नहीं रहे लेकिन आप बच्चों के लिए सेशन चला रहे. यही कर रही है अनुमा. जिन बच्चों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया है फटाफट इंस्टॉल करो, आस्क डॉट फीचर का सदुपयोग करो क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आस्क डॉट फीचर का सदुपयोग कर सकते हो, कहीं और नहीं कर सकते हो, राइट. सो आई होप कि सारे बच्चों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पर आस्क डॉट फीचर में डूज एंड डोंट्स के ऊपर फोकस कर लेना. ठीक है, हमेशा एक डाउट एक टाइम पे पोस्ट करने का है, मल्टीपल डाउट्स एक बार में पोस्ट मत करना, हैंड रिटन कुछ भी मत डालना. ठीक है, बाकी आप सब लोग होनहार हो. अब देखो, जिनको भी यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फ्री क्लासेस देखना है, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन पे मेरा लिंक दे रखा है तो प्लीज जस्ट गो थ्रू दैट, फॉलो कर लेना मुझे वहाँ पे. अभी आज क्लास 10th के लिए सेशंस होने वाले, नेक्स्ट मंथ क्लास 9th के लिए सेशंस करेंगे. ठीक है, सो आप कोई भी सेशन अगर स्पेशल क्लास पे देखते हो आप बुक कर सकते हो यूजिंग माई कोड दैट इज APRI10. यहाँ पर फीनिक्स सोशल फॉस्टर इज द टेलीग्राम चैनल जिसपे आप ज्वाइन कर लेना. जो बच्चे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, लेना चाहते नहीं ले लो क्योंकि यहाँ पर अमेजिंग फीचर्स है, प्लस है और आइकॉनिक है, प्लस इतना सुनहरा मौका है, इतने सारे ऑफर्स आपके पास है. तो सबसे पहले देखो यार फीचर्स में तो डेली बेसिस पे अनु मैम आपको बताती है, अब तक तो सबने रट ही लिया होगा. टॉप नॉच एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, रेगुलर आपके सेशंस चलते रहते हैं, फिर आप वहाँ पर वीडियोज कभी भी देख सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, डाउट सोल्यूशन सेशंस होते रहते हैं, लाइव डाउट सोल्यूशन सेशंस होते हैं, एग्जॉस्टिव यू नो कवरेज ऑफ ऑल द सिलेबस, और उसके अलावा मॉक टेस्ट क्विजेस होते रहते हैं यार, और क्या मांगता है बच्चा लोग को, है ना. तो यहाँ पर अगर आपको लगता है यू वांट टू एस इन योर एग्जाम्स, कौन नहीं चाहता टॉपर बनना, तो यहाँ पर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फटाफट लो. कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, ऑलवेज फोकस की 1 साल का लो, लॉन्ग टर्म के लिए सोचो रादर देन थिंकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे तो भैया 9th की चीज 10th में आपको काम आने वाली है सब्सक्रिप्शन, तो कोई टेंशन नहीं है. बस मम्मी पापा को बताओ, मंथली पेमेंट करना होता है, 10% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा
या कोड यूज कर रहे हो APRI10, ठीक है। आज सारे बच्चे धमाल मचाने वाले। हाय हाय वंशिका, हेलो, हाय अश्मिता, हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, हाय जिया, गुड इवनिंग एवरीवन। बस मैं मिंटी शुरू कर रही हूँ, पहले सब्सक्रिप्शन का सुन लो जिन बच्चों को लेना है। आइकॉनिक में यार देखो जैसा नाम है वैसे यहाँ पे फीचर्स भी है। आइकॉनिक बनना चाहते हो तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल मेंटर है जो आपके लिए हमेशा प्रकट हो जाएंगे। लाइव डॉट सॉल्यूशंस होता रहेगा फॉर ऑल द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। वीकली रिपोर्ट आपके सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। पेरेंट कनेक्ट, आपके पेरेंट्स भी बात कर सकते हैं मेंटर से। स्टडी प्लानर, जो बच्चे नहीं प्लान कर पाते हैं डेली बेसिस पे, ऐसे रोते कि आज मैंने सोचा था ना कि मैं हिस्ट्री कंप्लीट कर लूंगा कर लूंगी, लेकिन नहीं करता हूँ नहीं करती हूँ, तो यहाँ पर स्टडी प्लानिंग आपको अपनी मिल जाएगी, ठीक है, बेस्ड ऑन कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग सूट है क्या वीक पार्ट है। और यहाँ पर प्लस के सारे फीचर्स हैं, तो बस देरी किस बात की, फटाफट लो सब्सक्रिप्शन 10% ऑफ अवेल करने के लिए। बतवा इज ऑल द सेम हियर, यू जस्ट नीड टू अप्लाई माय कोड APRI10। बाकी आपको एक ही काम करना है भैया, जाओ डिस्क्रिप्शन पे मेरे लिंक को फॉलो कर लो, और फिनिक्स सोशल फॉस्टर इज द टेलीग्राम चैनल विथ हाइफन जो आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। अब हम लोग मेंटी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स हैव मैक्सिमम पार्टिसिपेशन राइट नाउ। नाइन्थ के बच्चे मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। 23 क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आपसे पहले भी पूछ रखा है, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी नए हैं। सो दिस इज द कोड फॉर एवरीवन। मैम चेंज द टाइम टू 7 PM युवराज। हाय कार्तिका, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाय सारांश, गुड इवनिंग। हाय दीक्षा, गुड इवनिंग एवरीवन। हाय रूपराज, हाय इशिता, गुड इवनिंग एवरीवन। हाय वकील अहमद, गुड इवनिंग। हाय रिया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कहाँ से हूँ? मैं वहाँ से हूँ जहाँ से लॉर्ड बुद्धा को इलाइटनमेंट मिला था। आई विल जस्ट शेयर द मेंटी कोड विद एवरीवन क्विकली। सारे बच्चे आ जाओ, लेट्स हैव मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हियर। सो द मेंटी कोड इज 7-4। और टॉप थ्री को यार मैं आज ही बता दे रही हूँ, टॉप थ्री को सर्टिफिकेट्स दूंगी। तो भैया आपकी लड़ाई यहाँ पर, आपकी जो जंग है ना, काफ़ी इधर कॉम्पिटिटिव वाली होने वाली है। तो यहाँ पर मुझे चाहिए टॉप थ्री बच्चे जो यहाँ पर बदलते रहने चाहिए। एंड में कुछ गूगली क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे गूगली क्वेश्चंस हैं, तो यू गाइज कैन ज्वाइन, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर लेट मी जस्ट शेयर द मेंटी कोड विथ एवरीवन। ओके, मैक्सिमम बच्चे आ गए क्या? हाय आरुष, हाय महक, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैम आई एम स्नोमैन। ओ आप स्नोमैन हो कि स्नो वुमेन हो? हाय अनवी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाय रूहानी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सृष्टि, गुड इवनिंग बच्चा। हाय आयुष, गुड इवनिंग। स्टार्ट कर दूं? अरे 40 बच्चे आए हैं, 50 यहाँ पर। एक तो मैक्सिमम लाइक करो भैया सेशन को। व्रूम व्रूम गाड़ी अपनी सृष्टि, व्रूम व्रूम गाड़ी। आज 50 बच्चे हो जाते हैं तो अनु मैम शुरू करेगा। 44 ऑफ यू हैव जॉइंट ऑलरेडी, सो लेट्स हैव 50 पीपल। 50 मांगते हैं अनु मैम को, 50%। तो यहाँ पर 50 बच्चे आ जाए। हाय वन्या, हाय गुड इवनिंग। हाय प्रणव, गुड इवनिंग एवरीवन। सो फटाफट यहाँ पर जितने भी नए बच्चे हैं इनको आप सबसे पहले फिनिक्स सोशल फॉस्टर ज्वाइन कर लो यार बच्चा लोग, ठीक है। ज्वाइन द चैनल, आई हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर ऑफ मैटर्स इन आर सराउंडिंग। आपको PPT मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। हाय गेमर, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 50 बच्चे मांगता है भैया अनु मैम को, बस 50 बच्चे। अनु मैम ज़्यादा ग्रीडी नहीं है, बस 6 बच्चे, 5 बच्चे और मांगता है। फटाफट फटाफट, वी नीड 5 more people। 44 यहाँ पर दिख रहे हैं, 45 पे फ्लक्चुएट हो रहा है। आई नीड 5 more people, धक्कम धुक्की करो, 5 बच्चों को और लाओ। 4 बच्चे और मांगते हैं अनु मैम को, 46 तक पहुँच चुका है। आई नीड जस्ट 4 more people टू स्टार्ट दी मेंटी। एकदम हाफ सेंचुरी पहुँचाना है भाई। 47 आ चुके हैं, 3 और मांगता है। एंड देन वी आर गोना स्टार्ट आवर मेंटी क्विकली क्विकली एवरीवन। मैम जी हो महक, ऐसा क्या? यहाँ पे नहीं महक,
नॉट हियर. चलो 46-47 पे फ्लक्चुएट कर रहा है भाई, अपने को फ्लक्चुएशन ही चाहिए, अपने को 50 बच्चे चाहिए. फटाफट जल्दी से फ्रेंड्स को बुलाओ. मेंटी में कौन बच्चा नहीं आना चाहता है, जब फुल मेंटी वाला सेशन हो कौन नहीं आना चाहता है. हाय आयुष, गुड इवनिंग. ये आयुष, बहुत सारे आयुष हो चुके, पर मुझे क्लियर कर दिया करो कौन आयुष है, वरना अनु मैम कंफ्यूज आ जाती है कि कौन आयुष आया है कौन नहीं आया है. वाह, वेरी गुड श्रेयांश, पता चला मुझे. अक्षत, लिंक यार, लिंक तो नहीं है. फिनिक्स सोशल फॉस्टर, लक्षिता एक बार लिख दो प्लीज बच्चा. तो अक्षत, फिनिक्स सोशल फॉस्टर, फिनिक्स के आगे हाइफन लगाना, सोशल फॉस्टर ज्वाइन कर लो, अन अकेडमी पे फॉलो कर लो. अगर आप क्लास 9-10 जितने भी बच्चे हैं सबको ही फॉलो कर ले. ओके, हाय आयुष, आई वेलकम यू टू द सेशन. हाय क्रिश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. 47 हो चुके, तीन बच्चे और, फटाफट आओ, हाईलाइट किया है. 48 हो चुके, दो बच्चे और, एंड 49 हो चुके, एक बच्चा और मांगते हैं यार. वन मोर एंड देन वी आर गोना स्टार्ट द मेंटी. आई जस्ट नीड वन मोर स्टूडेंट हियर. 49, एक और करो, 50 करो, बस 50 हो गए. ऑल द बेस्ट, लेट्स सी टॉप 3 में कौन रहता है. देखो बाद में रोना नहीं, मत कहना कि अनु मैम आपने बताया नहीं था. टॉप 5, टॉप 6, टॉप 3 बच्चों को सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगी. तो अपना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है ना उसको जगाओ, अंदर के कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को जगाओ. 23 क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट करते हैं. नहीं फटाफट नहीं करेंगे, हौले हौले आराम से करेंगे. तो ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपसे पूछ रखा है, तो लेट्स सी कितने बच्चों को याद है. द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. जल्दी से. अक्षत कह रहे मैम रुक जाओ मैम. अरे भैया अब हमने शुरू कर दिया. हाय एहसान, हेलो बच्चा, गुड इवनिंग. फिनिक्स सोशल फॉस्टर इज द टेलीग्राम चैनल, सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना, ठीक है. दिस टेलीग्राम चैनल इज योर, आपको सारे लिंक्स सर्टिफिकेट्स जो है वो मिलेंगे आपको वहीं पे, इसीलिए टेलीग्राम चैनल पे आना अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य है. चलो अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या हाल है. 37 बच्चों ने, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पे भी ये हाल करते हो यार. 12 बच्चों ने गलत आंसर दिया, और यहाँ पर गैसेस एंड लिक्विड्स है यार. ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज दैट. अगर आप फीचर्स की बात करो तो 37 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, 12 बच्चों ने गलत आंसर दिया है. लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट लीडर बोर्ड, कि फर्स्ट लीडर बोर्ड पे धमाल मचाते मचाते नदिया के उस पार से कौन आया है. अरे नाम भी वैसा ही रख दिया, और इमोजी भी आज मचाने वाली मिल गई. क्या बात है रौनक, क्या बात है. तो अपना जो रौनक है ताज पोशी करके पहले से आ गया, कहता है मैम हम तो प्रथम स्थान पे ही रहेंगे, कोई हटा के तो दिखाए आज. तो धमाल मचाएगा अपना रौनक बच्चा, और धमाल मचाते मचाते तैरते तैरते फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है. ये अपनी जो कैटरपिलर है हमें पता नहीं कौन है, इट इज डॉक्टर सेंटीपीड, नाम अभी तक नहीं पता. एकम जोत आ चुकी है. देखो भाई रौनक, अपने एकम जोत से बच के रहना, कभी भी धमाल मचा सकती है. देन वी हैव श्रेयांश सृष्टि, बहुत बढ़िया. वी हैव श्रेयांश, बेवकूफ है, बिल्कुल नहीं है. देन वी हैव पालक धनिया. वी हैव एकता जो की हाई फाई कर रही है मेरी शेरिनी. देन वी हैव चिराली गर्ग, एंड एट लास्ट लीथल जट्टी भी आ चुके हैं. लीथल जट्टी से बच के रहना भाई, वो कभी भी लीडर बोर्ड पे धमाका मचा देते हैं. अब ये कौन है लीथल जट्टी, अनु मैम को बिल्कुल नहीं पता. हाय शिवांगी, बिल्कुल पहचान लिया शिवांगी, कैसी हो. हाय आयुष, गुड इवनिंग एवरीवन. फटाफट सारे बच्चे मिंटी में आ जाओ जो बच्चे नहीं आ पाए. अच्छा, नेम द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इज इट प्लाज्मा, इज इट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, या फिर गैस. प्लाज्मा, अनु मैम को प्लाज्मा लग रहा है. जल्दी से बताओ, इज इट प्लाज्मा और इज इट गैस. बोस आइंस्टाइन तो बी सी तो बिल्कुल नहीं है. अरे श्रेयांश एक आईडी से खेलो यार बच्चा, वरना बाकी बच्चों के लिए दिक्कत हो जाएगी. मिसक्लिक हो गया रौनक से. हो रौनक तो गया, सिर्फ यहाँ पर 39 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया. इट इज बी सी, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट. फोर्थ मैटर होता है अपना, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है प्लाज्मा. फिफ्थ होता है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, जो कि मैंने बच्चों को बोला था कि बॉक्स में दे रखा है उसको पढ़ लेना. 11 बच्चों ने नहीं, 12 बच्चों ने गलत आंसर दिया है. 39 ऑफ यू गिवन द करेक्ट आंसर, और यहाँ पर गुमराह करने के लिए बच्चा लोग आ चुका है अनु मैम को. ओहो, नदिया के उस पार से देखो, यहाँ पर जैसे ही बारिश का माहौल आया, थोड़ी थोड़ी थंडरस्टॉर्म हुई, तो यहाँ पर उथल पुथल मच गया अपने लीडर बोर्ड पे. और जो बच्चे ताजपोशी करके आए थे सब नदिया के उस पार जा चुके हैं. पहला गुगली क्वेश्चन आ चुका है मानो. और यहाँ पर अपना जो छोटू सा पिंगू है ऐसे पिंग पिंग करते करते लीडर बोर्ड की तरफ तीव्र गति से आ चुका है अपना श्रेयांश. एकम जोत सेकंड पर है, काफी खुश है कि अपना रौनक गया. देन वी हैव सृष्टि, व्रम व्रम गाड़ी से डॉक्टर सेंटीपीड को मिला धप्पा. देन वी हैव श्रेयांश, श्रेयांश एक ही आईडी से खेलो यार बच्चा, वरना बाकी बच्चों के लिए चीटिंग हो जाएगी. तो यहाँ पर पिंगू है. देन वी हैव चिराली, अश्मिता नदिया के उस पार से अपनी क्रोकोडाइल आ चुकी है यहाँ पर तैरते तैरते. देन वी हैव लीथल जट्टी, एंड नव्या जो कि क्लास 9th की बच्ची है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीवन.
मैम कोड देखो ना यहाँ पर हाईलाइटेड है आयुष, इट इज 7468035 37। मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया, कॉपी पेस्ट मार लो। अच्छा ये बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फेनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर हमने बढ़ाया तो कौन कौन से वो फेनोमेना है जो कि इधर इंक्रीज होएगा, जल्दी से सोचो और बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयुष, आप कैसे हो? चलो गुमराह करने के लिए रेडी हो जाओ। अरविंद कह रहे कि मैम इसका आंसर सी है। तान्या कह रही है कि बाय मैम, क्यों भाई तान्या बाय क्यों कर दिया? रोनिक कह रहे बी है, ये भी अनु मैम ने उथल पुथल वाला क्वेश्चन पूछ डाला बच्चों से। अरे इवापोरेशन में होता है, डिफ्यूजन में होता है, जैसे टेम्परेचर राइज करोगे पार्टिकल्स का मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, एक्सपेंशन ऑफ गैस में होता है भाई राइजिंग टेम्परेचर में। कैसी बातें कर दी बच्चा लोग, कॉम्प्रेशन ऑफ गैसेज में नहीं होता है, सोल्युबिलिटी में नहीं होता है। अरे इधर सारे ऑप्शन आपके नाकाम थे यार। तो यहाँ पर 28 बच्चों ने गलत आंसर दिया, 26 बच्चों ने सिर्फ करेक्ट आंसर दिया। मानो कि सेकेंड गुगली क्वेश्चन अनु मैम ने दे डाला बच्चों को। लीड अबाउट की तरफ देखते हैं कितना उथल पुथल मचा है। हाय नीलम, गुड इवनिंग बच्चा। हेलो हरकेश मीना, नमस्कार, आपका स्वागत है। तान्या बिल्कुल मत जाओ, बीच में गेम को छोड़ के नहीं जाते। अरे अरे अरे, मोदी जी आ चुके हैं लीड अबाउट पे, अपने आरुष मोदी को देखो, बच्चों को यहाँ पर गुमराह करते करते लीड अबाउट पे तैरते तैरते आ चुके हैं। पिंकू पता ना जाने कौन है, लेकिन पिंक पिंगा के अपने लीड अबाउट पे आ चुके हैं। रूहानी हंसते हंसते आ गई, कहती है मैम कैसे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ डाले, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं खुद ही आइंस्टाइन हूँ यार। देन वी हैव लीथल जट्टी, नव्या एकम जोत को बच्चों ने धप्पा मारा। वी हैव सेंटीपीड हिमांशु जो कि कहता है मैम हम तो खाली मेंटी में प्रकट होंगे। देन वी हैव कृतिका एंड सन ऑफ सन, वाह सन ऑफ सरदार सुना है लेकिन सन ऑफ सन नहीं सुना है, तो ये अपना सन ऑफ सन आ चुका है, देखते हैं कौन है ये बच्चा। हेलो गौतम, नमस्कार, गुड इवनिंग। इसके बाद आयुष कौन सा चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं? इसके बाद हम लोग करने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो कि मैंने बीच में छोड़ रखा था, उसके बाद कंप्लीट करेंगे, नाजिज्म पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फेनोमेना ऑफ। हाय गौतम, हेलो, गुड इवनिंग। तान्या जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हाँ भाई तान्या को कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों मिल रहा है। हाय वेदाली, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जितने भी नाइन्थ के बच्चे आए ना, थोड़ा जस्ट नाइन्थ को भी सब्सक्राइब कर लेना, कल से अनु मैम उधर भी प्रकट हो जाएंगी बीच बीच में आप लोगों के लिए। अभी देखो 2 PM का स्लॉट मिला है, बाद में इसको मैं देखती हूँ, चेंज कराती हूँ अवेलेबल स्लॉट्स के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर 40 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, 17 बच्चों ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है। कल ही तो सिखाया था, इट इज इवापोरेशन गाइस, अर्दन पॉट। टॉप 10 को सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिलेगा मैम, इतनी मुश्किल से तो आप सर्टिफिकेट देते हो, टॉप 10 को दे दिया करो। मैं कोशिश करूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं आपको सर्टिफिकेट जब दूंगी तब ठीक है। यहाँ पर आयुष आ चुके हैं नदिया के इस पार, पालक धनिया पालक अपनी आ चुके हैं लीड अबाउट की तरफ, लेकिन आरुष का कहना है भैया हम तो ठहरे मोदी जी, हम तो तीव्र गति से आंसर ही देते जाएंगे। तो आरुष फर्स्ट पे, पिंकू अपना श्रेयांश है, देन वी हैव रूहानी लीथल, देन वी हैव एकम जो तीव्र गति से आंसर किया है। ये अपना जो डॉक्टर सेंटीपीड है पता चल गया, उन्होंने अपना फेस किया रिवील और ये अपना दिव्य है। देन वी हैव सन ऑफ सन, देन वी हैव पालक धनिया जिसने तीव्र गति से आंसर किया है, देन वी हैव आयुष एंड एट लास्ट वी हैव कृतिका जिनको थोड़ा सा धप्पा पड़ गया। लीड अबाउट पे उथल पुथल का माहौल मचा हुआ है, बच्चा लोग सांप सीढ़ी का गेम फुल ऑन खेल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और बच्चों के साथ नेटवर्क बेवफा हो चुका है। इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको दिया है टाइम, जरा डिग्री सेल्सियस और अपने केल्विन का रिलेशनशिप याद करो और मुझे बताओ करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा टेम्परेचर का जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। दिया है हमने आपको टाइम दिया है, थोड़ी दिमाग को तीव्र गति से घोड़े की तरह आगे बढ़ाइए और जल्दी से मुझे करेक्ट आंसर दीजिए। मैम सन ऑफ मैम बच्चा पाती, हाँ वेरी गुड, हरकेश मीना ने एकदम करेक्ट बोला। अरविंद करे मैम बी, तुक्का लगाओ भाई तुक्का लगाओ, क्या इस पे सोचना क्या है, तुक्का लगाते जाओ। आज अंतर्यामी मैम की पावर थोड़ी कम लग रही है। अच्छा गौतम जी आ चुके हैं लीडर बोर्ड पे, ऐसा मानो अगर वो ऐसा कुछ कह रहे हैं मतलब लीडर बोर्ड पे आए हैं। और ओम ने स्पैमिंग कर दी ए की, देखा जाए। सारांश हेलो हाय गुड इवनिंग सारांश, 12 सेकंड में आंसर किया है, हो देखते हैं कितने तीव्र गति से किसने आंसर किया है। रामानुजन कौन है अपना इधर, तो यहाँ पर 39 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, 16 बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया है, 298 हो जाएगा। अरे यार 273 आपका है, आपको सीधे प्लस मार देने का था, केल्विन करना है ना, तो इधर आपको प्लस करने का था, प्लस करोगे तो क्या मिलेगा 273 से, सिंपल सा लॉजिक था यार, सिर्फ
39 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, 16 बच्चों ने गलत आंसर दिया। मैम ए फॉर गोल्डन एप्पल, वाह, ए फॉर छोटा एप्पल और बड़ा एप्पल सुना है। आरुष मोदी मैथ्स में गए नीचे, उनको जोर का धप्पा पड़ा। और यहाँ पर क्रिश पहले से अपने आप को बता चुका है कि भाई ये जो हूँ ना, मैं हूँ आज का मेंटी विनर। लेकिन यहाँ पर पिंगू कौन है, अपना नाम चेंज कर लेना एंड में, वरना मत कहना कि मैं हूँ पिंगू नाम से ही बनाऊंगी, जैसे मैं लीथल जट्टी को लीथल जट्टी के नाम से ही सर्टिफिकेट्स देती हूँ। तो यहाँ पर पिंगू है, देन वी हैव लीथल जट्टी, अपना जो कैटरपिलर है रेंग रेंग के आगे बढ़ रहा है भाई, सन ऑफ सरदार नहीं सन ऑफ सन है। देन वी हैव पालक धनिया, देन वे आयुष, फिर कह रहे मैम गेस हु इज दिस डॉक्टर सेंटीपीड। तो ये मुझे लगता है कि अपना जो जग्गा जासूस है ना, दिस इज गौतम। कहते हैं अंतर्यामी मैम का ना थोड़ा दिमाग आज कम चल रहा है। देन वे हैव क्रिश, देन वे हैव आयुष एंड प्रणव, जो कि तीव्र गति से नदिया के उस पार से इस पार आ चुके हैं। मौसम मानो बेहाल हो चुका है बच्चों के बीच में। मैम कैसे, मैम हाय शिवानी कंफ्यूज आ गए हैं। ओहो शिवानी का कहना है मैम कंफ्यूज आ रहे हैं बच्चा लोग बच्चा लोग शाने निकले, ये बच्चा लोग अनु मैम के बच्चे हैं, तीव्र गति से आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तीनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी से बताइए। शिवानी सबको कंफ्यूज आ रही थी, लेकिन बच्चा लोग हुआ नहीं कंफ्यूज, आया नहीं, अपनी सृष्टि बड़े इंटेलिजेंट है भाई। यो 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 अपना आयुष, यो 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 क्यों कर रहा है। विंड स्पीड, ओह तो विंड स्पीड यहाँ पर ऑप्शन में तो रहने दो हरकेश मीना, कैसी बातें कर दी यार। सरफेस एरिया, मैम सरफेस एरिया करेक्ट आंसर एकदम सारे बच्चों ने वोट किया है, लेकिन 11 बच्चों ने फिर से गलत आंसर दिया। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें सब करेक्ट आंसर दोगे, बता दो अभी बता दो, वरना हम लज्जित हो जाएंगे कि बच्चा लोग गलत आंसर क्यों देता है। 43 ऑफ यू गिवन दी करेक्ट आंसर, बाकी बच्चों ने दिया गलत आंसर। एक सेकेंड लग गई, ओफ एक सेकेंड लगा बच्चों को। यहाँ पर देखो भैया लीडर बोर्ड पे तो यहाँ पर सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। लेट्स सी, इट इज पिंगू फर्स्ट पे, यप यप। यहाँ पर आरुष को एक और जोर का धक्का लगा भाई। प्रणव जो है तीव्र गति से आंसर करते हुए 9th पर आ चुके हैं। बाकी बच्चा लोग स्लॉथ मोड में बैठा है, कह रहा है मैम मौसम बड़ा सुहाना है, हम तो बेईमान हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि मौसम बेईमान है तो बच्चा लोग भी बड़ी बेईमानी कर रहा है, यहाँ पर गुमराह कर रहा है बाकी बच्चों को। नो मैम। अच्छा ये बताओ, डिफ्यूजन ऑफ गैस इज फास्टेस्ट इन, ओ ओ ओ एक सेकेंड। हाँ ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, किसमें फास्टेस्ट होता है। हाई प्रियू बेबी इन द हाउस विद अनु मैम इन द हाउस, हाई ब्रो बच्चा कैसी हो भैया। इसमें तो करेक्ट आंसर देते थे क्वेश्चन में ही आपका आंसर है यार, गैस में, गैस का मिश्रण सबसे ज़्यादा उसी में होता है यार। इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते या फिर आप स्पेस की बात करते, करेक्ट आंसर आपको मिल जाता। रैंडम मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी, सब तो पढ़ाए इतनी आसानी से यार। 11 बच्चों ने फिर भी गलत आंसर दिया, ठान लिया कि मैम हम तो गलत आंसर देंगे, ठान लिया है बच्चों ने। गैसेस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड पे तो इन सिंपल क्वेश्चंस पे बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। टाइम ओम का बहुत लग जा रहा है, इसीलिए वो नदिया के इस पार नहीं आ पा रहे। लेकिन देखो दूसरे मोदी जी आ चुके हैं, टेंशन ना लो, आपको प्रेजेंट करने के लिए दूसरा बच्चा आ चुका है। तो यहाँ पर आरुष मोदी लेकिन फर्स्ट से 10th पर चले गए, मानो वही सांप सीढ़ी का गेम है कि 96 पे थे और सीधे 13 पर पहुंचा दिया। तो यहाँ पर सांप ने इनको 13 पे पहुंचा दिया, नहीं 10वें पे पहुंचाया। वी हैव पिंगो, वी हैव लीथल, वी हैव दिव्य, वी हैव पालक धनिया, जिसने तीव्र गति से आंसर किया है। सन ऑफ सरदार नहीं, ये हमारे सन ऑफ सन है। देन वी हैव आयुष, देन वी हैव मैम, गेस हु इज दिस, आई डोंट नो कौन है ये, हमें नहीं पता, ये अपना जग्गा जासूस है कोई। आ आ आ अनु मैम को किसका कॉल आ रहा है, चलो ठीक है। देन वी हैव क्रिश, देन वी हैव प्रणव एंड आरुष ऑन द लीडर बोर्ड। हाय सिमरन, हेलो, गुड इवनिंग। ब्लैक ब्लैक गोल गोल हो गया, अल्ले ये तो गलत हो गया, ब्लैक ब्लैक गोल गोल। वन सेकेंड गाइज। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करो एंड गिव मी जस्ट वन सेकेंड। अरे गलती से लिख दिया भाई, क्या गलती से लिख दिया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, वाटर इज केप्ट इन अ ग्लास एंड अ सॉसर, ठीक है सॉसर, दोनों में से किसमें मोर टाइम टू इवेपोरेट।
बच्चा लोग कल ही बताओ किसको ये बॉटल खाना है, मुझे आज बता दो कि किसको ये बॉटल खाना है, किसको 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 ये बॉटल खाना है मुझे बस बता दो कि मैम मुझे खाना है, किसने गलती से सही और सही से गलती किया है, जरा जरा ये कितने बच्चे हुए गिन के बताना, 27 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, नेहल को खाना है, वंशिका को ये बॉटल खाना है, खाना है सबको। मैम मेरे को सबको, गौतम को इतना लगाऊंगी ना। अरे भैया सॉसर में सरफेस एरिया अपना ज्यादा होता है, आपको कल ही बताया था, विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया अपना एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो ज्यादा जल्दी होता है, और अगर हम बात करें ग्लास की उसका अपना सरफेस एरिया कम होगा, सॉसर का ज्यादा होता है, एवापोरेशन प्रोसेस कहाँ ज्यादा होगा। सब खा लो, हाँ ऐसे लो, वर्चुअल पिटाई ले लो अनु मैम की आज। दिव्य ने देखो देखो ये तीन बच्चे तो पक्का पिटाई खाने वाले मुझसे, दिव्य आयुष और ये गेस्ट करने वाला जो आ चुका है ना ये मुझे गौतम ही लग रहा है। वी हैव पिंगू फर्स्ट पे, पता नहीं पिंगू श्रेयांश है कि कौन है, नाम तो चेंज कर लेना। देन वी हैव लीथल जट्टी, अरे भैया सन ऑफ सन अपना नाम चेंज कर रहे हैं, ये निखिल तो नहीं है। देन वी हैव पालक, देन वी हैव प्रणव, नव्या, सृष्टि, दिव्य, आयुष और डॉक्टर सेंटीपीड गेस्ट करने वाला बच्चा। प्रियांशी पिटोगी, हमसे पिटाई खाओगी अब। ये पिंगू इज गौतम, पिंगू इज गौतम, नहीं तो सन ऑफ सन इज गौतम, सन ऑफ सन इज गौतम, सन ऑफ सन इज गौतम बता दो मुझे। इतने अजीबोगरीब नाम से सब आए हो, कैसे गेस कर लेंगे अनु मैम। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सॉल्ट इज मिक्स्ड इन वाटर, सॉल्ट पार्टिकल डिसअपीयर्स बिकॉज ऑफ व्हाट। क्या मैं किसको मारूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पर 30 बच्चों ने गलत आंसर किया, 21 बच्चों ने, यार बच्चों जब हम पार्टिकल्स की बात करते हैं एक तो स्मॉल साइज प्ले नहीं करेगा रोल, और दूसरा अपना क्या प्ले करेगा कि इट गेट्स इनटू द स्पेसेस बिकॉज ऑफ द साइज। किसको किसको लीडर बोर्ड में मतलब उथल पुथल मचाने के लिए आज बच्चा लोग कह रहे हैं कि मैम आज हम बेईमानी करेंगे, जितना बोलो उतना बेईमानी करेंगे। टाइगर बेबी जानवी लीडर बोर्ड पे आ गई है, पालक और अपने प्रणव ने दिया है गलत आंसर, और यहाँ पर हो गया लैपटॉप को मारो, मैम लैपटॉप को मार दो, आज लैपटॉप को ही मार दो, तो पढ़ाऊँ किसको भाई। देख लो लीडर बोर्ड का क्या हाल है, सुनिए लीडर बोर्ड हमारे कुछ ऐसे करे कि पिंकू जो चहक चहक के ना एकदम लीडर बोर्ड पे टप टपा के फर्स्ट पोजीशन पर है। लीथल जट्टी अपने जो टेंथ पर थे, देख रहे हो मैंने कहा था लीथल जट्टी से बच के रहना, ये अपना जो क्वाला है ना सेकंड पर है, नाम रिवील नहीं करता भाई, ये मिस्टर अपना एक्स है, मिस्टर अननोन है। देन वी हैव सन ऑफ सन, मुझे ऐसा लग रहा है ये गौतम है, अब मुझे नहीं पता। देन वी हैव दिव्य पालक धनिया अपनी है, अपना गेस्ट सेंटरपीड नहीं पता। जानवी प्रणव टाइगर बेबी लीडर बोर्ड पे आ गई है, लेकिन टाइगर बेबी कौन है ये अनु मैम को नहीं पता। फिर अपना एक और श्रेयांश आ चुका है, भाई इतना ना कंफ्यूज हुआ है अनु मैम को, सबको मार दूं, मैम वेट करो मैं आ रहा हूँ। सारांश इज लाइक कि मैम ये हुई ना बात, अब मैं लीडर बोर्ड की तरफ आ रहा हूँ भाई। पिंगू गौतम है, गौतम पिंगू है, मैं तो कह रही थी यार ये पिंगू गौतम हो सकता है, नहीं पता मुझे। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स डेमोन्स्ट्रेट एवापोरेशन एंड कूलिंग, जल्दी से बताओ। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये गेमर आयुष को नहीं पता। ये गेमर आयुष को नहीं पता कि क्या हुआ और कैसे हुआ, धोखा हुआ बस और कुछ नहीं हुआ। अच्छा वंशिका इज ऑन लीडर बोर्ड, मचाने वाला बच्चा इज लेट, प्रणव ने मिस क्लिक कर दिया और मचाने वाला बच्चा अपना एक तो रौनक गया और दूसरा मचाने वाला बच्चा लेट हुआ। तो यहाँ पर 19 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, 32 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। आ जाओ भाई अपने मचाने वाले बच्चों आ जाओ, क्योंकि बच्चा लोग इस लाइक गलत आंसर दे के आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर काफी गुमराह वाला माहौल चल रहा है बच्चों के बीच में। रिविजन करने अपना पिंगू आ चुका है, दैट इज आवर गौतम।
गौतम सहरावत लीडर बोर्ड पे आ चुके हैं, एकदम पिंगवा के आ चुके हैं, एकदम टप टपा के देखो कैसे अपना गौतम सहरावत आज खुश है, ऐसा मानो कि उछल उछल के नाइन्थ क्लाउड पे ना चला जाए अपना बच्चा। देन वी हैव लीथल जट्टी से बच के रहना, बहुत कम पॉइंट्स का फासला है गौतम जी, इसीलिए मैं आपका बहुत ज्यादा बढ़ाई ना करूंगी वरना कहोगे अनु मैम नजर लगा दी। देन वी हैव सन ऑफ सन, हमें नहीं पता सन ऑफ सन कौन है। देन वी हैव पालक, देन वी हैव सेंटीपीड, मुझे ऐसा लगता है ये अपनी तान्या है, लेकिन तान्या ने आज हेलो आई नहीं किया है तो मुझे नहीं पता। हाई दीपा, गुड इवनिंग एवरीवन। Then we have Janvi, Pranav, Shreyansh, Navya and Shrishti on the leaderboard. Shreyansh ने तीव्र गति से आंसर किया है, तो बहुत वैरायटी चल रही है भाई बच्चों की, इधर काफी वैरायटी हो रही है। मैम कमेंट करो, मैम कमेंट करो, प्रियांशी ने क्या लिखा मैम आज वॉइस। अच्छा ऐसा क्या? गौतम इज लाइक कि मैम मैंने गलत किया, नेम चेंज क्यों किया, कोई मारो मुझे। हाय अर्चना, गुड इवनिंग। हाय यश, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। सब बच्चों का नेट बेवफा हो रहा है। हाय वंशु, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सो लेट्स सी, सारे बच्चे कहते मैम इसको कहते इवापोरेशन, कैसा सिंपल क्वेश्चन पूछा, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे तो इवापोरेशन ही तो हो रहा है ना, थोड़ी गैस वैस की सीन है यहाँ पे। लेकिन बच्चों लोग गुमराह नहीं हुआ, 40 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, क्योंकि हमने इनको प्यार से समझाया था कि जब भी सॉलिड से लिक्विड की बात हो तो फ्यूजन के बारे में सोचना। ठीक है, समझ में आई बात? सूर्य पुत्र मैम गेस ऑल्सो मी। अच्छा दिव्य अपनी दो दो आईडी से खेल रहे हैं, ओहो हो। तो यहाँ पर देखो पालक धनिया सन ऑफ सन कौन है नहीं पता, लेकिन ये अपना दिव्य एक पता चल चुका है, दिव्य एक आईडी से लीडर बोर्ड की तरफ है। वी हैव गौतम ऑन द फर्स्ट पोजीशन, देन वी हैव लीथल, वी हैव सन ऑफ सन, सूर्य पुत्र है ये, देन वी हैव पालक, वी हैव दिव्य, देन वी हैव जानवी, प्रणव, श्रेयांश, नव्या एंड रुम रुम गाड़ी से नदिया के उस पार से इस पार तैरते हुए आ चुकी है अपनी सृष्टि, जो कि तीव्र गति से आंसर दे चुकी है। मैम वेट करो, 11th पे हो, सारांश अपना 11th पे है, वेट कर रहा है कि कोई एक बच्चा गलत आंसर दे तो वो लीडर बोर्ड की तरफ आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज। मैम मैं कहां गया मैम, आयुष जो अपना 7 नाम के साथ आया था वो लीडर बोर्ड से दफा हो गया, उनको बच्चों ने फेंक डाला, कहते नदिया के उस पर जाओ भाई इधर बहुत तूफान मचा है। मून ऑफ मून, हाँ ये बहुत अच्छा है। अच्छा सन ऑफ सन अपना कर्ण है, सूर्य पुत्र कर्ण, हाय भगवान। श्रेयांश इतना दिमाग लगाया आपने कि अपना करण है, तो यहाँ पर देखते हैं लीडर बोर्ड पे करण है कि कौन है। अरे यार दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यार, 16 बच्चों ने इस क्वेश्चन पे भी गलत आंसर दिया, 31 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, सबने मिस क्लिक कर दिया। लीडर बोर्ड पे अभी देखते हैं, आयुष आ चुका है, मैजिकल राइनो सारांश आ चुके हैं, अरे वेट एंड वॉच का नारा लेके सारांश अपनी मछली तीव्र गति से आ चुका है लीडर बोर्ड की तरफ, लेकिन अपना पिंगू अभी भी टप टपा रहा है, कह रहा है कि लीथल जट्टी कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन बच्चा कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पर रिविजन करने आया अपना पिंगो। देन वी हैव लीथल जट्टी, वी हैव सन ऑफ सन जो कि सूर्य पुत्र है, जो कि यहाँ पर वापस ही डीकोड करके उनको करण बोला गया है, देखते हैं अपना करण है कि कौन है। देन वी हैव पालक, देन वी हैव अपना दिव्य, वी हैव श्रेयांश, वी हैव सारांश एंड श्रेयांश, वाह। Then we have Divya. Divya अपनी दो आईडी से आ चुके हैं, भैया एक आईडी हटा दो यार। Then we have Magical Rhino जिसका नाम हमें नहीं पता, और आयुष यहाँ पर वापस से आ चुके हैं जो कि अपने आप को गेमर समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का हाल देखा जाए। मैम ब्रेकिंग न्यूज, मैम ब्रेकिंग न्यूज, क्या हो गया आयुष? ऑप्टिकल इल्यूजन की मिंटी कब लाऊंगी? अभी इस संडे ले आती हूँ और क्या, लेकिन वो जस्ट नाइन्थ वाले चैनल पे करने वाली हूँ मैं, एक मिंटी आपके लिए जस्ट नाइन्थ वाले चैनल पे रहेगी, तो देखते हैं बता दूंगी आप बच्चों को कल। देखो यार मैं जस्ट नाइन्थ पे आपको मोस्ट प्रोबेबली कल ही कर रही हूँ, हाँ मुझे एक बार देखना पड़ेगा। वैसे मैं आपको फिनिक्स सोशल फॉस्टर इज द चैनल, एक बार कोई फिनिक्स सोशल फॉस्टर इधर चैनल को थोड़ा ये कर देना स्पैम एंड में कर देना, ताकि सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है, 38 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, 5 बच्चों ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है। मैम मुझे ये चैप्टर अभी तक याद है, मैंने रिविजन भी नहीं किया जब से हो। पलक इज लाइक कि मैम मेरा नाम पालक नहीं है, पलक है मैम, पलक।
तो यहाँ पर रिया अपनी जो अपनी मधुमक्खी है ना अपने छत्ते से निकल के उड़ उड़ के लीडर बोर्ड की तरफ आ चुकी है, लेकिन अपने गौतम को हराना नामुमकिन ही नहीं मुश्किल नहीं, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। लीथल जट्टी इज ट्राइंग हिज और हर बेस्ट, जो कि मैं नहीं पता ये बड़ा ही मतलब यू नो मिस्ट्री है अपने चैनल का कि लीथल जट्टी है कौन भाई। देन वी हैव अपना सूर्य पुत्र कर्ण, देन वी हैव पालक, नहीं वी हैव पलक और द लीडर बोर्ड, देन वी हैव श्रेयांश तीव्र गति से आंसर करते हुए, सारांश और श्रेयांश भाई भाई खेल रहे हैं, देन वी हैव मैजिकल राइनो, वी हैव दिव्य, वी हैव रिया, एंड एट लास्ट वी हैव आयुष ऑन द लीडर बोर्ड गाइस, इट इज पलक। हाय प्रकृति, प्रकृति मैंने आपको हेलो नहीं बोला, इतनी स्पैमिंग करेंगे ये बच्चा लोग तो क्या करूं मैं। हाय वेदाली, हेलो मैम, 5 बार सब्सक्रिप्शन बोलो ना, आप सुनना है भाई सब्सक्रिप्शन में APRI 10 इज द कोड जो आप यूज कर सकते हो सब्सक्रिप्शन में, APRI 10 APRI 10 APRI 10 APRI 10। ठीक है ठीक है प्रियो, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस विद व्हाट। मैम सिस्टर सिस्टर, हाय सिमरमीत, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। रूहानी 11th पोजीशन पर है। मैम आप तारीफ मत करिए वो नीचे आ जाएगा। सिमरन इज लाइक कि मैम गौतम को जीने दो ना इसकी जिंदगी। 3 बच्चों ने गलत आंसर दिया, 40 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी अपना इंक्रीज होता है। APRI 10। हाँ हाय एहसान, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। हाय खुशी, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके हाँ भाई ठीक है सब समझ गए। अब देखो लीडर बोर्ड पे क्या हाल है। हाँ इनको नजर आज नहीं लगेगी, आज पूरा काला टीका लगा के बैठा है भाई अपना गौतम। कहता है कि अनु मैम के मिनटी में आऊंगा, फर्स्ट आऊंगा तो अनु मैम लगा देंगी नजर, तो काला टीका एकदम पूरा इधर लग इधर इधर। मम्मी ने बोला आओ बेटा नजर उतारू तुम्हारी आज। तो वी हैव गौतम अपना पिंगू एकदम टप टपा के फर्स्ट पोजिशन पर है। लीथल जट्टी, देन वी हैव सन ऑफ सरदार, नहीं सन ऑफ सन, देन वी हैव पालक, नहीं पलक, देन वी हैव श्रेयांश एंड शाराश भाई भाई, देन वी हैव मैजिकल राइनो, रिया, रूहानी नदिया किस पर आ गई हंसते हंसते यार, चहकते चहकते आ चुकी है, देन वी हैव प्रणव, रूहानी और प्रणव एक साथ इधर तीव्र गति से आंसर देते हुए। राधा ने बोला सेशन को लाइक करो भाई, सेशन को जल्दी से लाइक करो, ठीक है बता देना भाई। अरे नाइन्थ को भी मौका दो भाई, 10th वाले बच्चे क्यों जीतते हैं। अभी ये बताओ चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू बॉइलिंग एंड एवापोरेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन में कितने बच्चे करेक्ट आंसर करते हैं। बॉइलिंग और एवापोरेशन में करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, देखो टेम्परेचर की बात हो रही है, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बताना। लाइक टारगेट अपना 50 के ऊपर है यार, 100 लाइक करा दो यार, मैं तो वॉचिंग भी कहती हूँ 100 पे ले जाओ, तुम लोग मानते ही नहीं हो, मूड खराब कर देते हो बिना मतलब का। नाइन्थ के बच्चे कम करते हैं लेकिन आप लोग सोशल साइंस में थोड़ा ज्यादा कर देते हो, वैसे नाइन्थ के बच्चे अभी टाइम पर आ जाते हैं, 10th के बच्चे पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर 28 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया कि जब हम बॉइलिंग की बात करते हैं उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है यार, जब हम इवापोरेशन की बात करते हैं ऑल टेम्परेचर पे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, 28 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, 10 सेकेंड टाइम लग गया। हो अभी देखते हैं, सृष्टि तो लीडर बोर्ड से गई यार, सन ऑफ सरदार अपने चले गए। यहाँ पर देखो लीडर बोर्ड पे क्या हाल है, धप्पा पड़ने वाला है, पालक के लिए अच्छी पोजीशन, यप यप यप। तो यहाँ पर मानो पिंगू अपना टिप टिपाते हुए फर्स्ट पोजीशन पर तीव्र गति पे, #1 पे ट्रेंडिंग है अपना बच्चा। लीथल जट्टी अपना प्यारा सा कोआला ऑन दी सेकंड पोजीशन, अपनी स्नो वुमन कह रही है मैम मौसम तो अपना सुहाना है, क्यों ना मैं इस इमोजी का यूज करूं अपनी पालक थर्ड पर है यार। सन ऑफ सन यहाँ पर थोड़ा धप्पा खा गए छोटू शाह, देन श्रेयांश की तीव्र गति से आंसर करते हुए, सारांश जो कि कह रहे वेट एंड वॉच वो रॉक करेंगे लेकिन रॉक करते हुए वही मछली अपनी अटक चुकी है वहीं पे, मैजिकल राइनो भी उधर ही अटक चुके हैं, रूहानी एक पोजीशन अप, रिया एक पोजीशन डाउन, प्रणव भी 10th पर अटक चुके हैं, कह रहे मैम यहां से नजारा बड़ा ही अच्छा है, सारे के सारे 9 बच्चे मुझे दिख रहे हैं, बस अपने को ठीक लग रहा है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशी ठीक है, डन डन प्रियांशी ब्रो, बच्चा डन, सन ऑफ मैम बच्चा पति, फिर आयुष चला गया लीडर बोर्ड से। अब गलत आंसर दोगे नहीं तो लेट आंसर दोगे तो लीडर बोर्ड से जाओगी ना आयुष, और क्या नदिया के उस पार जा चुके हो, घूम के आओ। अच्छा ये बताओ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछ रखे हैं तो इसमें गलती ना करना। वंशिका इज ऑन द लीडर बोर्ड भाई, वंशिका कौन है भाई, अब इसमें से मुझे वंशिका को ढूंढना पड़ेगा लीडर बोर्ड पे कौन है।
रिपीटेड क्वेश्चन उसमें भी गलत किया यार, 16 बच्चों ने गलत किया, 26 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, दुखी कर देता यार, जल्दी जल्दी में दुखी कर देता यार। 6 सेकेंड्स प्रणव को लग गए, और प्रणव को अगर से ओ माई गॉड बोल दो कि ये झूठ है बच्चों, बोल दो कि ये झूठ है। गौतम किधर हो, किधर हो मेरे बच्चे। काला टीका लगाया था कि नहीं गौतम, काला टीका लगाया था। गौतम को नजर लग गई। लीथल चट्टी बोलते हैं मैम गौतम का ऐसी पढ़ाई करो ना, मुझे पता है उसको धप्पा लगना था मैम, मैम ये तो सच है मैम। ये अपना गौतम कह रहा है मैम आपकी इतनी बारीक नजर है, बास सी नजर है कि काला टीका भी बेचारा हार मान गया। तो अपने पिंगू को ऐसे पिंगू, अपना पिंगू कर दिया, टप टपा के नीचे गिरा। तो यहाँ पर देखो ऐसी सुनामी आई कि अपना लीथल जट्टी एकदम टॉप पे जा चुका है लीथल वेपन की तरह, और यहाँ पर अपना जो रिविजन करने वाला बच्चा आया था धप्पा खा गया इजी से क्वेश्चन पे, क्योंकि उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब ही नहीं पता, माने क्या होता है नहीं पता अपने गौतम सहरावत को। तीव्र गति से आंसर किया श्रेयांश ने। सारांश और श्रेयांश कह रहे भैया हम दोनों भाई भाई है, साथ चलेंगे एस्कॉर्ट, देन वी हैव अपनी पालक, पालक नहीं पलक, देन वी हैव सन ऑफ सन, देन वी हैव मैजिकल राइनो, देन वी हैव एकम जोत्रिया एंड आयुष, जो कि एकदम मतलब हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं, कभी नदिया के उस पार कभी नदिया के इस पार, बाकी बच्चे नदिया के उस पार जा चुके हैं यार। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। हाय मोहसिन, हाय गुड इवनिंग। काले ड्रम में बैठा है मैम, मैम आपसे ही तो पढ़ा था, मैं मारूंगी ना गलत करने वाले बच्चे। अच्छा ये बताओ, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, वेदाली ने सी लिखा है, वेदाली बच्चों को हेल्प कर रही है। हो अरविंद ने भी सी लिखा है यार, अरविंद आप लीडर बोर्ड पे क्यों नहीं आते हो। अच्छा सेशन को फटाफट लाइक करो यार, 50 लाइक क्यों नहीं हो अभी तक, फटाफट 50 लाइक्स करो यार सेशन पे, कैसी बातें कर देते हो यार बच्चों लोग। कई रिपीटेड क्वेश्चन है यार, 24 बच्चों ने सिर्फ करेक्ट आंसर दिया है, 15 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, काफी सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ये तो मतलब ये ना बच्चों लोग नॉट डन मैम। मैम स्टार्ट है क्या मिंडी, लो युवराज पूरी कहानी खत्म हो गई, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रामायण में राम कौन था। अरे 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 क्या गेम चल रहा है भाई अपने लीथल और अपने गौतम के बीच में। दोनों बच्चों ने ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर सीक्रेट पैक्ट साइन कर लिया है कि गौतम भाई तू आगे बढ़ मैं तेरे पीछे हूँ यार। तो अपना गौतम आ चुका है, पिंकू वापस से कहते हैं कि मैम गौतम अभी गलत आंसर देगा, नहीं लीथल अपना गलत आंसर देगा, गौतम आ गया वापस से, ठीक है। हैशटैग #1 पे ट्रेंडिंग करते हुए टप टप आके आ चुका है लीथल, अपना सेकंड पे गया, कहते हैं मैम गौतम को आज नजर नहीं लगाते ना, थोड़ा थोड़ा सा जीतने देते अपने बच्चे को। देन वी हैव श्रेयांश, वी हैव सारांश, देन वी हैव पालक, मैजिकल, एकम ज्योत, जानवी, अश्मिता नदिया के उस पार से आ चुकी है, जानवी मुझे वापस से दिख चुकी है, यानी कि नदिया पार से बच्चा लोग, लॉकडाउन का माहौल ऐसे ऐसे जब लिफ्ट अप हो रहा है तो बच्चा लोग भी आते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ओहो ये चल रहा है यहाँ पे बच्चों के बीच में, गौतम ने बाजी मार दी मैम, मार दी आज उसने बाजी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, ओहो हो नेक्स्ट विजन। अपने हरकेश मीना कह रहे हैं मैम हम आएंगे तो बच्चा लोग परेशान हो जाएगा, ऐसे कहे भाई कौन सी उथल पुथल बचाओगे। देश राज का कहना है मैम बी, रूहानी का कहना है प्लाज्मा, प्राकृति का कहना है ए, अरविंद का कहना है सी, हाय प्रियांश गुड इवनिंग। मैम प्लाज्मा, मैम प्लाज्मा, मैम मैम प्लाज्मा मैम करेक्ट आंसर था, लेकिन 17 बच्चों ने फिर भी गलत आंसर दिया यार। आयो सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, अपना क्या होता है आप लोगों को नियॉन गैसेस का एग्जाम्पल दिया था ना। ओके बाय आयुष, मैम फिजिक्स करवा दो, नहीं हम सिर्फ केमिस्ट्री कराएगा, हम फिजिक्स नहीं कराएगा। सारांश का ये आंसर गलत हो गया, हो सारांश को जोर का थप्पा पड़ा, नदिया के उस पार से अपना प्रणव आ चुका है, जानवी वापस से नदिया के उस पार जा चुकी है, हाय भगवान जानवी भी मुझे लगता है भूल चुकी है बहुत कुछ। वी हैव अपना गौतम तीव्र गति से आंसर करने वाला बच्चा, देन वी हैव लीथल, देन वी हैव अपना श्रेयांश, देन वी हैव पलक, देन वी हैव मैजिकल राइनो, एकम जो तीव्र
तीव्र गति से सिमर मीत नहीं आई यार। देन वी हैव आयुष अपना 7 जेम्स बॉन्ड अपने आप को मान के चल रहा है बच्चा। देन वी हैव अपनी अश्मिता अपनी क्रोकोडाइल आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है। ओहो हो सुपर एनर्जेटिक एकदम। देन वी हैव सारांश एंड प्रणव जो कि नदिया के उस पार गए फिर नदिया के इस पार आए तो उनको नुक्का छिपी का गेम खेलने में अनु मैम के साथ मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। गुरुजी कौन है प्रियांश? हमें भी नहीं पता कौन है। गुरुजी गुरुजी होते हैं। जय हो करने वाले। मैम मैं तो राइट आंसर दे रही हूँ लेकिन आप लेट दे रहे हो बाकी बच्चों से रूहानी, इसीलिए आप लीडर बोर्ड की तरफ नहीं आ रहे हो फिर आप वापस चले जा रहे हो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो एवरीवन। नहीं पता मुझे। मोहसिन ने बोला मैम छी छी इज द करेक्ट आंसर मैम। 25 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, 14 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, 25 ऑफ यू गिव द करेक्ट आंसर बच्चों लोग ताली। इतने सिंपल क्वेश्चन का भी बस 25 बच्चे करेक्ट आंसर देते हैं, अनु मैम का सर ऊंचा हो गया है, इतना ऊंचा हो गया कि मतलब मैं क्या करोगे यार बच्चा लोग। टाइगर बेबी लीडर बोर्ड पे आ गई, टाइगर बेबी मानो ही अपनी वंशिका है आई गेस। तो यहाँ पर लीडर बोर्ड पे कुछ ऐसा हाल है, वी हैव अपना जीएस यानी कि जनरल स्टडीज फर्स्ट पोजीशन पर है, देन वी हैव लीथल, वी हैव श्रेयांश, वी हैव पालक, नहीं वी हैव पलक, देन वी हैव मैजिकल राइनो। कौन है यार फटाफट जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताओ। एकम जो तीव्र गति से आंसर देती जा रही है, वी हैव अश्मिता, सारांश, प्रवन, प्रणव एंड एट लास्ट वी हैव टाइगर बेबी ऑन द लीडर बोर्ड। मैम मुझे मच्छर काट लिया था। ओहो हो तभी से प्लाज्मा के बारे में आप भूल गए हो, डेंगू हो चुका था अपने बच्चे को। हाय एहसान, हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो कि विच हैज द लीस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स। यार देखो द होल आइडिया ऑफ मेंटी क्वेस्ट इज नॉट अबाउट सर्टिफिकेट्स, इज अबाउट इट्स अबाउट कि आपका प्रिपरेशन कितना हो गया इस चैप्टर का। तो जो बच्चे आप लगातार गलत आंसर्स दे रहे हो ना, जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट द वीडियोज जो कि मैंने आपको 4 सेशन लिया है और 4 सेशन में चैप्टर कंप्लीट है, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो यार, सब कुछ समझ में आ जाना है आपको। और एक बार एनसीईआरटी पढ़ो जो बच्चे गलत कर रहे हैं। द होल आइडिया इज कि चैप्टर कंप्लीट हो गया उसका रिविजन करो राइट, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको देती रहूंगी, बीच में एग्जाम्पलर ये सब भी कराना है मुझे वो भी कराती रहूंगी ठीक है। तो 21 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, 18 बच्चों ने गलत आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। लीस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स यार सॉलिड में होगा ना, काइनेटिक एनर्जी अपना सबसे कम सॉलिड के पार्टिकल्स में होता है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। मैम व्हाट इज योर एज? एज जान के क्या करोगे देशराज? श्रेयांश ने गलत आंसर दिया इस क्वेश्चन का। सारांश गए गए सब बच्चे गए। तो यहाँ पर देखो अपना जनरल स्टडीज फर्स्ट पे है भाई, देन वी हैव लीथल, वी हैव पालक, पलक यार पलक पलक, देन वी हैव मैजिकल राइनो, वी हैव एकम ज्योत तीव्र गति से आंसर करते हुए, यहाँ पर एकम ज्योत अभी इनका टिक टिका के जा रही है भाई, देन वी हैव श्रेयांश, अश्मिता, प्रणव, टाइगर बेबी दैट इज वंशिका एंड एट लास्ट वी हैव जेम्स बॉन्ड का आयुष ऑन द लीडर बोर्ड। मैम की एज बस 40, अरे 45 क्यों कर दिया, 50 तक ले जाते यार, 50 तक ले जाते गौतम, 40-45 पे क्यों रुक गए? मैं फिजिक्स करने जा रहा हूँ प्रियांश, ठीक है जब अनु मैम केमिस्ट्री करा रही है तो तुम फिजिक्स करो, अनु मैम जब सोशल पढ़ाए तो तुम केमिस्ट्री करना, एकदम उल्टा चल रहा भाई। 70 साल। नेक्स्ट विजन का कहना है 24 से लेके 26 के बीच में है, 65 नहीं तो 66, अरे 100 तक पहुंच जाओ यार गौतम, ये मेरे लिए बड़ाई की बात है कि 100 साल में उफ। 70 साल ना एकदम। प्राकृति मैम ओपी वाला, नहीं यार प्राकृति मैं क्यों इग्नोर करूंगी। हिमांशु का कहना है मैम बस ज्यादा नहीं, 98-100 के बीच में हो यार, बस एकदम यार 1000 यार, मैं डायनासोर वाली एज से ही तो बस टपक के आई हूँ यार, कैसी बातें करता है बच्चा लोग। हिस्टोरिकल वे में बात करो मुझसे, प्री हिस्टोरिक क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक जमाने से अनु मैम आई है। तो यहाँ पर 22 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा था यार, डेंसेस्ट कौन है, सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट आपके मॉलिक्यूल्स किस में रहते हैं, सॉलिड में रहते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताया, जिन बच्चों ने 14 बच्चों ने जो गलत आंसर दिया है डेंसिटी का जरा मतलब बताना। अनवी करी मैम ओपी वाला इग्नोर कर दिया, अच्छा 2 साल, अनु मैम 2 साल की है, मैम आपने तो अर्थ बनते देखी थी। हाँ भाई गौतम, बस ब्रह्मांड हमारे सामने ही तो बन रहा था, हमने तो उसका आविष्कार किया था।
कभी कभी अपोनिज को लगता है भगवान है। 22 बच्चों ने सब करेक्ट आंसर दिया है। ऑफ मास पनेट वॉल्यूम लीथल जट्टी ने लिखा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यार लीथल जट्टी अपना नाम वाम बताओगे आज? थोड़ा अपना आधार कार्ड हमें दिखाओ यार। मास पनेट वॉल्यूम, गुड इवनिंग वकील अहमद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम आपके रूम में भूत आने वाला है। अच्छा, अनु मैम डर गई। तो यहाँ पर जनरल स्टडीज ऑन दी फर्स्ट पोजीशन, लीथल जट्टी सेकंड पे, देन वी हैव पालक धनिया, नहीं यार शी इज पलक, गुस्सा हो जाएंगे मुझसे, देन वी हैव मैजिकल राइनो एकम जोत, देन वी हैव अपना श्रेयांश, अश्मिता, प्रणव, टाइगर बेबी वंशिका एंड जेम्स बॉन्ड अपना आयुष। ठीक है, सबको क्लियर हो गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जाते हैं। मैम राधा के टाइम की है, हाँ जा झक मार रहे अपना यहाँ पर बच्चा सारांश। उफ, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है यार, जिगजैग के बारे में पूछा जा रहा है। मैम आई थिंक योर एज इज बिटवीन समवेयर 27 to 33, इज इट करेक्ट और नॉट? अच्छा लीथल जट्टी का नाम यश है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर अनवी ने लिखा। ओ नो, अनु मैम की एज 27 से लेके 33 के बीच में, ऐसा हमारी बच्ची का कहना है। काफ़ी सोच समझ के उन्होंने बोला है, अपनी इशिता ने काफ़ी सोच समझ के बोला है कि मैम लग तो यही रहा है, इसी के आसपास हो यार। तो यहाँ पर ब्राउनियन मोशन जिगजैग की जब भी बात हो, जिक और जैक, ब्राउनियन, ब्राउनी से याद रखना, ठीक है। 31 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, 5 बच्चों ने गलत आंसर दिया है। आई थिंक मैम इज बिटवीन समवेयर 23 to 28 के बीच में, थोड़ा मीन वीन लगा लो, मीन मीडियन कर लो, मोड भी कर लो, सब कर लो, 30, 18, बस बस और कुछ, 30 साल की है, 23-24 साल के बीच में, बस बस 23 और 24 में क्या फर्क पड़ता है, अपना जनरल स्टडीज का देख रहे हो, नॉलेज कितना बढ़िया है। देन वी हैव अपना लीथल जट्टी जो कि नाम ही नहीं रिवील करेंगे, वी हैव पलक, वी हैव अंशिता, एकम ज्योत तीव्र गति से आंसर करती जा रही है। लेकिन थोड़ा लेट हो गया एकम ज्योत का तीव्र गति वाला स्प्रिंट यहाँ पे, क्योंकि बच्चों के पॉइंट्स काफी ज्यादा हो गए और मुझे एकम ज्योत बहुत प्यारी बच्ची लगती है, बातें कम करती है और यहाँ पर परफॉर्मेंस अपनी हमेशा दिखाती है। देन वी हैव श्रेयांश, वी हैव अश्मिता, वी हैव प्रणव, वी हैव टाइगर बेबी अपनी वंशिका एंड एट लास्ट वी हैव जेम्स बॉन्ड का आयुष ऑन द लीडर बोर्ड। मैम जब भी मेरा मिसक्लिक होता है ना तो मैं नहीं करता, ओहो हो हो, जा मन करता है किसी को मार डालू, जा। तो अपना रोनिक मचाने आया था और एक और प्रियांशु मचाने आया था, मचा दिया उन्होंने। 200+ इयर्स की है मैम, एकदम 15 साल की, अनवी का कह रहा है मैम 15 साल की है, एकदम। और कुछ, और कुछ बचा है बच्चों दिमाग लगाने के लिए? ये खत्म होने दो फिर मैं बताती हूँ। ओ मशीन कह रहे मैम, ओ मिसक्लिक हो गया बच्चों से, बहुत बढ़िया। इसमें से कौन अपना मैटर नहीं है भाई बताओ, मून रॉक, इलेक्ट्रॉन या फिर ह्यूमिडिटी? जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं ना, एडुकेटर्स प्रोफाइलिंग दी गई है मेरी, वहाँ पर आप फॉलो कर लो यार अनअकैडमी पे मुझे फटाफट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, जिन बच्चों को यहाँ पर कोड यूज करना है, APRI10 इज द कोड, सब डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोड हमेशा याद रखना। अनअकैडमी मर्ज आने वाला है 20 जून को, फटाफट एनरोल कर लो यूजिंग द कोड, ये मत भूला यार बच्चा लोग, ठीक है। थोड़ा श्रद्धा भक्ति दिखाओ यार, मैम की तरफ इतना एंटरटेनमेंट कराती है यार। और इस रिपीटेड क्वेश्चन में भी 11 बच्चों ने गलत आंसर दिया, मून रॉक और इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इतना लगाएंगे ना हम, मास और वॉल्यूम नहीं होता इन सब में। तो यहां पर सिर्फ 24 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। ह्यूमिडिटी यार, इट इज अ फेनोमेना, इसमें कोई आपको यहां पर मास वॉल्यूम ऐसा कोई कांसेप्ट नहीं आता। मैम 28 की है, समझे बुद्धू बच्चा लोग, समझे, महक करिए मैम, टाइगर बेबी मैं हूं। अच्छा हाँ, अब मुझे याद आया, अरे 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 देखो तो लीडर बोर्ड की तरफ, अपना लास्ट क्वेश्चन और अपना जनरल स्टडीज आज तीव्र गति से टिप टिप आते हुए नदिया के इस पर आगे पहले ही, और #1 पे ट्रेंडिंग रहे, और एक दो उनको थोड़ा इधर ठोकर मिला लेकिन उन्होंने करारा जवाब दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन वी हैव गौतम, वेरी गुड गौतम, नाइस, वेरी वेल प्लेड यार। देन वी हैव लीथल जट्टी, बहुत ही बढ़िया इनका भी परफॉर्मेंस रहता है हर एक मिनटी में, जब से आए तब से ऑब्जर्व, बट आई डोंट नो द नेम, आधार कार्ड निकलवाना पड़ेगा बच्चे का। सेकंड पोजीशन पे वी हैव लीथल जट्टी, थर्ड पे पालक, ओ सॉरी पलक, वी हैव पलक जायसवाल ऑन दी थर्ड पोजीशन, अमेजिंग। देन वी हैव अंशिता गुप्ता, अपनी जो मैजिकल राइनो थी अंशिता, हमेशा एंड में अपने आप को रिवील करती है, तो अब अंशिता का भी थोड़ा अंतर्यामी वाला मुझे गेस करना पड़ेगा।
पड़ेगा. देन वी हैव एकम जोत, देन वी हैव श्रेयांश, अश्मिता, प्रणव, टाइगर बेबी जो कि महक है, एंड एट लास्ट वी हैव जेम्स बॉन्ड, आयुष. तो यहाँ पर लीडर बोर्ड का कुछ ऐसा हाल है बच्चा लोग. के ओहो हो मैम, नेक्स्ट टाइम, प्रणव कहता है मैम मचाएंगे ना अगली बार, अपना टाइम आएगा. हाय प्रगति, गुड आफ्टरनून, गुड नहीं आफ्टरनून नहीं यार, इवनिंग का टाइम है. ओ भैया बच्चा लोग 8 लाइक अभी फटाफट करो यार, 50 लाइक तो कर देने का है. देखो यहाँ पर आपने सेंचुरी हाफ सेंचुरी हिट किया, इधर भी हाफ सेंचुरी हिट कर दो फटाफट, ठीक है. यस मैं बच्चों को सर्टिफिकेट्स दे दूंगी कल, क्योंकि अभी मेरे बहुत हेक्टिक स्केड्यूल है यार बच्चा लोग, बट डोंट वरी, आपको बाकी सर्टिफिकेट्स मिल गया ना फिनिक्स सोशल फॉस्टर पे, तो इसका भी मिल जाएगा. उसके लिए आप निश्चिंत रहो, 1-2 दिन लगेगा, बट अनु मैम एकदम आपको दे देगा. क्योंकि अभी देखो बहुत, अभी मुझे जस्ट 9 पे क्लास लेनी है, अभी मेरा सेशन स्पेशल क्लास पे होने वाला है, तो अभी थोड़ा उथल पुथल का माहौल है. और एक तो मौसम बड़ा बेईमान है यार, बड़ा बेईमान मौसम है अनु मैम का. युवराज 13th रैंक पर है. ओहो प्रगति और इन क्लास 10th. तो प्रगति जस्ट फॉलो माय एडुकेटर्स प्रोफाइल लिंक ऑफ अन एकेडमी. अभी 8 o'clock पे क्लास 10th के बच्चों के लिए मेकअप पोलिंग सेशन होने वाला है फॉर द चैप्टर दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. तो आप फटाफट उस सेशन के लिए रेडी हो जाओ, 8 बजे मैं आपको देखती हूँ अन एकेडमी ऐप पर, ठीक है. जितने भी 10th के बच्चे हैं फटाफट वहाँ आ जाना, और गौतम आ जाना वहाँ पे, ठीक है. वेरी गुड, ठीक है. तो गौतम आ जाना आज, मुझे आप उधर दिखने चाहिए. मैम मेंटी कैसे प्ले करते हैं? सेथ मेंटी के लिए ना मेंटी मीटर अपना एक साइट होता है, देख रहे हो www.menti.com पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ज्वाइन क्विज करना होता है. कोड यहाँ पर हाईलाइटेड है ना, बस कोड डालना होता है बच्चा, ठीक है. रोनिक कोई बात नहीं यार, बेटर लक नेक्स्ट टाइम यार, ये तो हार जीत का गेम है, चलता रहता है. मजे आए कि नहीं पहले रोनिक ये बताओ, मजे आए कि नहीं आए? फिनिक्स सोशल फॉस्टर सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना. हाय किरण, गुड इवनिंग. आज बाहर जाना है. बाय सिमरन, जी लो अपनी जिंदगी. हैप्पी बर्थडे मैम. भैया मैम का माय नेम इज यश संधू. अरे अरे अरे, लीथल जट्टी ने अपना नाम रिवील किया है. हाय क्या बात है. तो ये अपना यश बच्चा है. वेरी गुड यश यार, परफेक्ट परफेक्ट. मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजे बॉय? वाह ठीक है यश, आप चैनल ज्वाइन कर लेना यार. लास्ट सर्टिफिकेट मैंने आपके लिए बनाया था लीथल जट्टी, मैंने उस पर लिखा क्योंकि मुझे आपका नाम नहीं पता था, तो अब यश के नाम से बनेगा. और आप फिनिक्स सोशल फॉस्टर ज्वाइन कर लेना, ठीक है. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? अश्मिता मिल जाएगा, मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन भी मिलने वाला है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरी वन. हाय मोशीन, हेलो हेलो हेलो. कहाँ से ज्वाइन होगा? टेलीग्राम ऐप आपके पास है ना? लीथल, सॉरी लीथल का तो नाम अब पता चल गया. तो आपके पास टेलीग्राम ऐप है, देखो मैं यहाँ पर एक नाम लिख रही हूँ, फिनिक्स हाइफन सोशल फॉस्टर. कॉपी पेस्ट कर लो इधर से, या तो लिख लो कहीं पे, और सीधे बस टेलीग्राम पे सर्च मारोगे, पब्लिक चैनल है, यू विल ज्वाइन दैट. ओके जितने भी नए बच्चे आए हैं ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगे, जो भी सेशंस होते हैं सर्टिफिकेट्स का, एक एक चीज़ का, ठीक है. फिजिक्स का कब होगा? अरे भैया हरकेश, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाती आपको. अरे मैंने कहा मैक्सिमम लाइक करने को यार, 50 लाइक हिट करो. डिसलाइक क्यों करते हो यार, दुखी नहीं करो ऐसे डिसलाइक विसलाइक करके, ठीक है गाइस. लिंक नहीं है यार मोशीन, लिंक नहीं है आपको. देखो नाम लिखा ना, कॉपी पेस्ट करो ना, कॉपी पेस्ट करो लिंक को, फिनिक्स सोशल फॉस्टर. वंशिका बच्चों के लिए फिनिक्स सोशल फॉस्टर लिख दो यार, बच्चा लोग ज्वाइन ही नहीं कर पाता, कोई इनको हेल्प कर दो, अपने चैनल को बड़ा करना है हमें, है ना. तो फटाफट ठीक है जी, टॉप 10 को ही देंगे, ऐसे तो अनु मैम जैसे टॉप 20 को दे रही थी, है ना अश्मिता. बाय गौतम, सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस. ओके गाइस चलो, तो अब क्या सीन है, ऐसा है कि थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, फॉर मेकिंग इट अ फन सेशन एज वेल. कल आप लोग जस्ट लाइन पे मुझे मिलना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, ताकि आप सारे बच्चे इतना ही पार्टिसिपेशन उधर भी दिखाना. आपके लिए धमाकेदार सीरीज मैं लॉन्च करूंगी, एंड विल स्टार्ट विथ हिस्ट्री आई गेस, ठीक है. तो टेलीग्राम चैनल पे आओ, थोड़ी पोलिंग वोलिंग भी कर लेंगे, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपके डिमांड्स है, उसके बेसिस पे सेशंस बनाना शुरू कर दूंगी, और क्या, है ना. ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, टेक केयर एंड सी यू गाइस. प्लीज फॉलो मी ऑन अन अकेडमी चैनल, एंड APRI10 इज माई कोड, यूज करते रहना, और क्या.